कस्बा की गलियों का हाल बेहाल, रोडें खुदी पड़ी हैं, जनता परेशान। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के वार्ड नंबर 29 मोहल्ला हौद के रास्ते गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, जिनसे राहगीर चोटिल हो रहे हैं। इन रास्तों से आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कई बार नगर पालिका को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। यूं तो शहर के विभिन्न वार्डों के रास्तों में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिनकी मरम्मत को लेकर वार्ड पार्षद कई बार नगर पालिका को लिखित व मौखिक अवगत करा चुके हैं, लेकिन इन गड्ढों की मरम्मत आज तक नहीं कराई गई। वार्ड 29 के पार्षद संगीत शर्मा ने बताया कि वार्ड के गड्ढों को लेकर नगर पालिका चेयरमैन व ईओ को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर इन गड्ढों को नहीं भरा गया तो आगे बरसात के मौसम में और स्थिति बदहाल हो जाएगी। वार्ड के दो बुजुर्ग इन गड्ढों की वजह से गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। वार्ड के निवासी बुजुर्ग पुजारी रामेश्वर दयाल शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, रविंद्र अग्रवाल आदि ने बताया कि हौद ढलान से लेकर सीता वाली बगीची व बाईपास तक के मुख्य रास्ता पूरी तरह खुदा हुआ है। इन गड्ढों में गंदे पानी का भराव रहता है, नालियों का निकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है। मोहल्ला हौद जो शहर का रिहायशी इलाका है, उसके वाशिंदे इन गड्ढों से परेशान हो रहे हैं। वहीं नगर पालिका के ईओ रामजीत सिंह का कहना है कि आपके माध्यम से ही मुझे समस्या की जानकारी हुई है, कल JEN को मौके पर भेजकर गड्ढों को भरने व मरम्मत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाड़ी से प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। नगर पालिका से और उन भी हम क्या करें, तो छोटे मोटे काम नहीं हो रहे हैं। बाढ़ का आदमी पार्षद से क्या चाहता है, ये बाढ़ का आदमी पार्षद से चाहता है कि भाई लाइटें और सफाइयाँ और बाढ़ के किसी लोग को, बाढ़ वासियों को पार्षद से यही उम्मीद रहती है कि बाढ़ की छोटी मोटी व्यवस्थाएं बहुत सही सलामत रहें, सफाई है, लाइटें हैं, सड़कें हैं, और तो कोई मकान तो मांगता नहीं है पार्षद से, मकान बनवा के हमको दे दो, कोटी बनवा के हमको दे दो, छोटे मोटे काम है, इन कामों को ही हम नहीं कराएंगे तो आगे हमको जनता मौका कैसे देगी, कभी नहीं देगी। तो मेरा तो यही निवेदन है हाथ जोड़ के, इन गड्ढों को शीघ्र प्रभाव से बंद किया जाए और जिन जिन गलियों में खरंजा की जरूरत है और भी काम है, जो जो काम है, उन सब कामों को शीघ्र प्रभाव से किया जाए। धन्यवाद। ऐसा नगर पालिका महोदय, हमारी गली में पौध की दरकाई से लेके सीधा वाली बगीचे बड़ी रास्ता खराब है, निकलने से परेशानी। आए दिन रास्ता सांड रोक लेते हैं, रात को अंधेरा रहता है, पेड़ टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ठोकर लगे और कट्टे तो कट्टे, गाय भैंस होते का कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन आप इतना तो मेहरबानी करके हमारे हाथ जोड़ लेने की विनती है, इतना तो करवा दो कि हमारी ये गड्ढे वगैरह मरम्मत हो जाए, इतना तो है कि यहाँ से आगे मौसम खराब होगा, बरसात आती है, आए दिन गिरते हैं, बड़े बूढ़े पेड़ कई हो गए। अभी एक दिन 5-7-10 दिन मेरे भाई गिर गया था, उसके हाथ में लग गई थी, पैर में लग गई थी, और आए दिन मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है, गिर जाती है। इससे आपसे हाथ जोड़ने की मेहरबानी है, अब जैसा हो जैसा मरम्मत की रिपेयरिंग कुछ हो सके। धन्यवाद। हाँ बोलिए भाई साहब। भाई साहब ये जो सड़क है, जो जियो लाइन ने जो रोड खोल रखी है, पूरी गड्ढों में तब्दील हो गई है। तो हमने कई बार वार्ड पार्षद को महोदय को अवगत कराया है, और वार्ड पार्षद महोदय ने नगर पालिका में भी कहा है, पर कई बार उन्होंने ये आश्वासन दे कि अगली बार इसको ठीक करा देंगे, अभी बजट नहीं आया है, पर लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और यहीं से नहीं, औदगी ढलान से सीता वाली बगीची तक रोड की दुर्दशा है, और बाईपास मतलब गड्ढों में तब्दील है, इसका कोई धनाधुरी नहीं है। और यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो इस तरह गए हैं, कई बार कई व्यक्ति यहाँ चुटैल हो चुके हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद। बताइए गुरु, क्या परेशानी है बाढ़ में? सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल वृद्ध आदमी तो निकल भी नहीं सकता है, और जिसमें जो क्या है पानी भर जाता है, पानी पड़ जाता है जब, तो अभी भी परेशानी हो जाती है। लाइट के लिए भी कई दिन से बंद हो जाती है, ध्यान ही नहीं रहता है क्या स्ट्रीट लाइट जली है या नहीं जली है। फिर मेम्बर साहब से भी हमने इसका निवेदन किया, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। हमारा नम्र निवेदन ये है कि इस व्यवस्था को, क्योंकि इस गली के अंदर 6-7 मंदिर हैं, जो मंदिरों पर दर्शनार्थी आते हैं वो भी परेशान होते रहते हैं, इसलिए
कृपा करके इस पर ध्यान दिया जाए और जाए और यहाँ से लेकर के बाईपास का लोग जाते हैं तब भी परेशानी होती है। रास्ता है हम बाईपास पर जाते हैं, इधर गलियों में जो क्या है काफ़ी गड्ढे पड़े हुए हैं, वो भी सुधरवाया है तो आगे उत्तम रहेगा। हाँ बोलिए सर जी। मैं लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता, वार्ड नंबर 29 के नागरिक हैं हम, और यहाँ पर रोहद से पूरे जो का बाइक से निकल के घंटाघर से निकल के रोहद में पूरे में गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह, और कई मेरे समझी लगते हैं वो गिर पड़े और भी बुजुर्ग वगैरह गिर पड़े और गड्ढे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 11 नंबर गली का वो है, 11 नंबर गली में नाली है वो रुक जाती है बार बार में, क्यों ट्रैक्टर निकलते हैं और वहाँ कोई रास्ता सही उसकी नाली की व्यवस्था हो नहीं पाई है। तो सबसे मेरा ये निवेदन है, और पार्षद सी को हम कई बार अवगत करा चुके हैं और पार्षद जी ने नगरपालिका में कह दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सबसे मेरी ये विनती है कि भाई इनके काम को हमारा पूरा कराएं जिससे हम जो गाय सुरक्षित निकल सकें जा सकें। धन्यवाद।